विपक्षी हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा, विपक्ष का हंगामा जारी। बजट पर संसद में मैराथन बहस, 20 घंटे तक लोकसभा में चर्चा, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बड़े मंत्रालयों के लिए 5-5 घंटे तय। संसद में बजट पर बहस के दौरान बोले खड़गे, कहा हमको लगा था सबसे ज्यादा हमें ही मिलेगा, बजट में राज्यों के बीच भेदभाव। खड़गे ने केंद्र सरकार पर तंज कसा, कहा दो की थाली में पकोड़ा, बाकी की थाली खाली। किरेन रिजिजू बोले केंद्रीय बजट को सिर्फ दो राज्य का कहना गलत बात है। बजट के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, संसद के बाहर बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों का विरोध प्रदर्शन। संसद की सीढ़ियों पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, बजट पर संसद में होगी 20 घंटे की बहस। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान बोले खड़गे, ये बजट सरासर अन्याय है। बजट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर बोले अखिलेश यादव, सरकार पहले बेरोजगार करते हैं और ना ही महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम उठाते हैं। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। बिहार में आरक्षण पर छिड़ा रण, विपक्ष ने धारा बढ़ाने के लिए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की, जेडी पर भड़के नीतीश कुमार। पेपर लीक के खिलाफ आज बिहार विधानसभा में पेश होगा बिल, दोषियों को 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। बजट पर बहस के दौरान बिहार के सीएम नीतीश का विवादित बयान, आरजेडी नेता रेखा पर भड़क कर बोले नीतीश, अरे महिला हो कुछ जानती नहीं हो, चुपचाप सुनो। अरे महिला हो कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे अरे बोल रही है। सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव पर निशाना साधा, कहा ये लोग महिला को आगे थोड़ी बढ़ाया, बोल रही हो इसलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। सत्ताईस जुलाई को होगी नीति आयोग की बैठक, सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के नेता बैठक का बहिष्कार करेंगे। नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाएंगे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, बजट से नाराज हैं सीएम स्टालिन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ एनकाउंटर में एक दहशतगर्द हुआ ढेर, इलाके में 4 से 5 आतंकी छिपे होने का अंदेशा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विमान हादसा, टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल, चौर्य एयरलाइंस का विमान फिसल गया, हादसे की जांच शुरू। हादसे में एक पायलट को सुरक्षित निकाला गया, क्रैश के बाद एयरपोर्ट पर राहत बचाव का काम जारी, काठमांडू से पोखरा जा रहे विमान में 19 लोग सवार थे। एक अगस्त से शुरू हो रही किन्नौर कैलाश यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किए खास इंतजाम। पच्चीस जुलाई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, श्रद्धालु ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की रेप्लिका बनने के विवाद के बाद पहली बार सीएम धामी पहुंचे केदारनाथ, पुरोहितों ने जोरदार स्वागत किया। बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचे सीएम धामी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर मंदिर के तीर्थ पुरोहितों से मिले सीएम धामी, कई मुद्दों पर चर्चा। विजय दिवस के 25 साल पूरे होने के मौके पर द्रास में आज से शुरू होगा समारोह, 26 जुलाई तक भव्य समारोह चलेगा। 1999 में देश के जांबाजों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मात दी थी, हिमालय की चोटी पर फहरा था तिरंगा। विजय दिवस की रजत जयंती के लिए कारगिल वॉर मेमोरियल तैयार, युद्ध के नायकों के शौर्य को याद करेगा देश। प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को जाएंगे विजय दिवस के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर लद्दाख में तैयारी। उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बह रहे कांवड़ियों का रेस्क्यू किया गया। गंगा में स्नान के दौरान हुई घटना। एसडीआरएफ के जवान ने गंगा में छलांग लगाकर जान बचाई। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान बढ़ रही गंगा में बहने की घटनाएं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात की गई जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। हरिद्वार में कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने के मद्देनजर प्रशासन का बड़ा फैसला। 12वीं तक के सभी स्कूल 27 जुलाई से बंद करने के आदेश। प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर उमड़े कांवड़िए। संकल्प लेकर जलाभिषेक के लिए होते हैं रवाना। दिल्ली में कांवड़ियों के लिए तैयार किए जा रहे शिविरों का दौरा करेंगी केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी। दिल्ली में करीब 185 शिविरों का लाभ उठा सकेंगे कांवड़िए। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का अगला जत्था हुआ रवाना। पवित्र यात्रा को लेकर उत्साहित दिखे भोले के भक्त। बाबा के भक्तों के लिए दिखे पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम। भक्तों के साथ तैनात दिखे भारतीय सेना के जवान। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अयोध्या को देश में प्रथम स्थान दिलाने को लेकर नगर निगम राम का घर महाअभियान, राम का घर रथ अभियान की शुरुआत। श्रीनगर में गुलाबी क्रांति अटल एक्सपो का आयोजन। कश्मीर विश्वविद्यालय में कश्मीरी महाविद्यालय उद्यमियों के लिए आयोजित किया गया। दर्शनी में देखी कश्मीर संस्कृति की झलक। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। राजौरी में महिलाओं के लिए कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। अगरतला में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा शामिल हुए। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। दिल्ली पहुंची यूनाइटेड किंगडम के विदेशी राष्ट्रमंडल डेविल लेमी। भव्य स्वागत हुआ। खावड़ा और मुद्रा पोर्ट पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबेगे के गौतम अडानी ने मुलाकात की। मुंबई वालों को आज से मिलेगी हाईटेक सफर की सौगात। आज से शुरू होगी मुंबई मेट्रो की पहली अंडरग्राउंड एक्वालाइन। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के पहले फेज में आरए कॉलोनी से बांद्रा कोली कॉम्प्लेक्स तक चलेगी। कुल 33 किलोमीटर लंबे रूट पे 27 स्टेशन में से 26 अंडरग्राउंड। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल। बांदीपुरा जिले में पर्यटकों के लिए होम स्टे सुविधा का उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में 12वीं मंजिल पर फंसी लिफ्ट से महिला और बच्ची का रेस्क्यू किया गया। करीब 30 मिनट तक चला बचाव का काम। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में अजगर की जकड़ में फंसे व्यक्ति को बचाने की तस्वीरें सामने आई। स्थानीय लोगों ने पीड़ित की जान बचाई। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। सुबह झमाझम बारिश। दिल्ली में हल्की सी मध्यम बारिश के आसार। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा चलने की संभावना। दिल्ली के कई इलाके में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना। उमस से लोगों को राहत। दिल्ली के कनॉट प्लेस से तस्वीर सामने आई। लोगों के चेहरे खिले। दिल्ली के मोतीबाग में जोरदार बारिश। सड़कों पर जल जमाव। बारिश के बाद नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में भारी जल जमाव। यातायात प्रभावित। पुलिस ने डायवर्ट किया रूट। लगा भारी जाम। नोएडा में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। नोएडा के सेक्टर 62 में बारिश के बाद घुटनों तक पानी भरा। सड़कों पर लगा लंबा जाम। लोनावला में हुई साल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश। पिछले 24 घंटे में 275 एमएम बारिश। बारिश के बाद से लोनावला में नदियां उफान पर। सड़कों पर बारिश का पानी आया। सोनीपत में जमकर बरसे बदरा। सड़के सैलाब। सोनीपत के गोहाना में रेलवे लाइन अंडरपास भी बना तालाब। अंडरपास में पानी में तैरती नजर आई कार।
रेलवे लाइन अंडरपास में फंसी कार चालक ने कूद कर जान बचाई। सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी, वाहनों को धक्का लगाते हुए नजर आए वाहन चालक। गुजरात में अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात, मछुआरों को समुद्र में न जाने की एडवाइजरी जारी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ में हुई भारी बारिश। गुजरात के द्वारका इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए चलाया गया राहत और बचाव का काम, गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से घर में फंसे थे करीब 9 लोग। सूरत में मूसलाधार बारिश से घरों में घुटने तक पानी भरा, 3 दिन से जलभराव के बीच रह रहे लोग। गुजरात के नवसारी में बाढ़ से बिगड़े हालात, तूफान पर नदी नाले, मुश्किल में फंसे लोग। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, कई इलाके में यातायात ठप। मंडी में आज से 26 जुलाई तक फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी, पर्यटकों को दी गई नदी नालों से दूर रहने की सलाह। घटना के बचाव के लिए सभी पंचायत प्रधानों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रैकर्स और नागरिकों से भी अनुरोध किया। सूरत में हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, इलाकों में पानी जमा। सूरत में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, जनजीवन प्रभावित।